फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं लाई हूं आपके लिए एक और वीडियो जिसमें आप कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी नई वीडियो की। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने वीडियो में सबसे पहले आपके जो क्विज़ चल रहे हैं, क्विज़ की सीरीज़ चल रही है, उसके आपके आंसर्स देते हैं। तो क्विज़ नंबर 2 के आंसर्स आई होप आप सबने ढूंढ लिए होंगे। अगर ढूंढ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, आपको आज आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं आपके आंसर्स को एंड देखते हैं, लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन हु डिलीवर्स द मेल इज, जो इंसान चिट्ठियाँ पहुँचाता है हमारी, वो कौन होता है? पोस्टमैन, POSTMAN, अ सेवन लेटर वर्ड पोस्टमैन। सेकेंड क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव थिंग्स इज कॉल्ड, ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट चीज़ों की को क्रिएट करने को क्या बोलते हैं? द आंसर इज आर्ट, ART, 3-letter वर्ड आर्ट। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग थ्रू द एयर इज कॉल्ड, द आंसर इज फ्लाई, FLY, हवा में से गुजरेंगे तो उड़ेंगे ही। फोर्थ क्वेश्चन इज, अ थिंग विच इज़ यूज्ड फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए हम सब क्या यूज़ करते हैं आपको पता ही है, BED, बेड, 3-letter वर्ड बेड। लास्ट क्वेश्चन इज, अ फिक्स्ड लुक विद आईज वाइड ओपन इज, किसी को एक टक देखते रहना, घूरते रहना, वो क्या होता है? वो होता है स्टेयर, STARE, स्टेयर, 5-letter वर्ड स्टेयर। तो आई होप आप सबको आपके आंसर्स मिल गए होंगे और आप सब लोगों ने अपने आंसर्स चेक भी कर लिए होंगे। कुछ के आंसर्स सही होंगे और कुछ के नहीं होंगे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं आंसर्स को ढूंढने की, क्योंकि ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा। तो आज हमारा है क्विज़ 3, लेकिन वो आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स को मिला के एक सेंटेंस इंग्लिश में हम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ह्यूमन बॉडी ही देख लीजिए। अब हम क्या सिर्फ हमारा मुंह ही तो नहीं है, या हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वही तो नहीं है, या अपर बॉडी पार्ट है वही तो नहीं है? हमारे बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जिनको मिला के हम पूरे एक इंसान बनते हैं। ऐसे ही जो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं, जो पैराग्राफ्स हम बनाते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इन पार्ट्स को मिला के, इन पार्ट्स को जोड़ के हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। और या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो एक सेंटेंस होता है उसको हम पार्ट्स में तोड़ के कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स हमने जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है उनको हम क्या नाम दे सकते हैं। उन सबका एक पर्टिकुलर नेम है जिससे कि उनकी एक पहचान बनती है, और ये पहचान ही उनको एक टॉपिक के अंडर जमा कर देती है जिस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब आप पूछोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इनको पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, एक साइकिल है। एक साइकिल को बनाने के लिए हमें बहुत सारे उसके पार्ट्स चाहिए। हमें टायर्स भी चाहिए, हमें पैडल्स भी चाहिए, चेन भी चाहिए, हैंडल चाहिए, सीट चाहिए, काफ़ी कुछ चाहिए एक साइकिल को बनाने के लिए, ठीक है, तभी एक साइकिल पूरा होगा। इसी तरह से अगर हम आपने इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने सीखने हैं, तो उसके लिए भी आपको इसके पार्ट्स को जोड़ना पड़ेगा। इनके पार्ट्स को जोड़ के आप एक सेंटेंस बना सकते हो। फिर आप बोलोगे कि साइकिल में तो सारे पार्ट्स ज़रूरी नहीं होते हैं, कई पार्ट्स हैं जिनके बिना भी हम साइकिल चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसकी जो बेल होती है वो ना हो तो भी चलेगा, पीछे का कैरियर ना हो तो भी चलेगा। सो ऐसे ही ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो पार्ट्स आप सीखने वाले हो 8 के 8 ही यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में। ये डिपेंड करता है वो सेंटेंस
किस तरह का है या आप कौन सी बात अपनी कहना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जैसे कि हम सबको स्कूल में सिखाया जाता है कि एक सेंटेंस जो होता है वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे मैथ्स के सम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, वैसे ही इंग्लिश भी जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से चलती है। और ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है, मीन्स एस प्लस वी प्लस ओ। ये हमें शुरू से सिखाया गया है कि अगर इनको जोड़ दे तो हमारा सेंटेंस क्रिएट होता है। लेकिन ये सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, उसमें सब्जेक्ट में क्या आएगा? वर्ब तो हम सबको पता है, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, वो कोई भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो क्या है जी? वो क्या सिर्फ एक एक वर्ड ही होगा? तो इसका मतलब थ्री वर्ड्स में या फोर वर्ड्स में आपका एक सेंटेंस बन जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और जिनके साथ हम एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उन पार्ट्स को पढ़ने की, उनको समझने की। फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, अ क्विक प्रीव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मेरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उसमें मैंने बता दिए थे। वो आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने उनको उस हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स दिए हैं जिस अकॉर्डिंग वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। आपको अपनी बुक्स में हो सकता है वो इस ऑर्डर में ना मिले, लेकिन अगर आप मेरे ऑर्डर में याद करोगे तो आपको बड़ी जल्दी ये याद हो जाएंगे। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सो दैट इज नाउन। अब ये नाउन NOUN क्या होता है? नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें समाई होती हैं, मीन्स इन सभी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम नाउन बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नाउन वर्ड जो है वो किसी प्लेस के लिए भी यूज हो सकता है, किसी पर्सन के लिए भी, किसी थिंग किसी चीज़ के लिए भी, या किसी आइडिया के लिए भी। प्लेस किसी भी जगह का नाम हो गया, दिल्ली, कनाडा, इंडिया, जलंधर, यू नो वट एवर। पर्सन किसी का भी आप नेम हो सकता है, वो किसी भी पर्सन का नेम, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है राहुल। थिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, चेयर हो गई, टेबल, एप्पल, एनीथिंग। और आइडिया, आइडिया एक सोच, जैसे कि डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, कोई भी कोई जो आपकी सोच होती है, जैसे कि ये है फ्रीडम, आज़ादी, ये भी एक सोच है, तो इसको भी हम एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इनको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली जो है वो दूध पीती है। तो इसमें जो बिल्ली है, मीन्स कैट, किसी एनिमल का नेम है, फाइन, मीन्स किसी एनिमल को हम बिल्ली के नाम से जानते हैं, पहचाना जाता है। सो कैट इज अ नाउन। और मिल्क क्या चीज़ है? वो किसी चीज़ का नाम, अ थिंग। तो मिल्क यहाँ पे अ थिंग है, सो थिंग भी हो गया हमारा नाउन। बीच का हिस्सा जो है उसको भी हम कुछ कहते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि जो बीच का हिस्सा रह गया वो था क्या, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, आई लिव इन जलंधर, मैं जलंधर में रहती हूँ। सो यहाँ पे आई वो नाउन नहीं आएगा, वो प्रोनाउन है, ठीक है। सो लिव इन कहाँ पे, किसी प्लेस का नाम, जलंधर, सो इट इज नाउन, जलंधर इज नाउन। नेक्स्ट है सीमा इंजॉयज म्यूजिक, सीमा किसी का नेम है, सो नाउन होगा, इंजॉयज को बाद में हम डिस्कस करेंगे। और म्यूजिक जो है वो भी किसी चीज का नाम है, किसी आइडिया का नेम है, फाइन। सो जो म्यूजिक है वो भी हमारा यहाँ पे नाउन होगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने सेंटेंसेस में से ढूंढ सकते हो कि उनमें नाउन कौन से हैं, ठीक है। सो कोई मुश्किल बात नहीं है नाउन्स को ढूंढना। हाँ, ये छोटे सेंटेंसेस हैं तो इसमें आप जल्दी कैच कर पाओगे, लेकिन सीखने के लिए पहले आपको छोटे सेंटेंसेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार आप छोटे सेंटेंसेस में इनको ढूंढना शुरू कर दोगे, ढूंढने में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो धीरे धीरे बड़े सेंटेंसेस में भी
आपको ये मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो वेट किस बात का है, अपनी कोई भी बुक उठाइए, उसका कोई पैराग्राफ लीजिए, ठीक है, कोई ऐसे लीजिए, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल लीजिए और उसमें अपने नाउंस ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, वो है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। जब हमें कहीं जगह पे नाउन नहीं लगाना तो हम वहां पे प्रोनाउन लगाते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि नाउन क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो और उस पैराग्राफ में आप फर्स्ट सेंटेंस में किसी का नाम लिख रहे हो, तो बार बार आप वो नाम लिखते रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा आपका टेक्स्ट, आपका पैराग्राफ। तो उसको बोरिंग ना बनाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव अच्छा बनाने के लिए कि हम उसको इजीली पढ़ पाए, हम बार बार एक ही नाम लेते हुए बोर ना हो जाए, तो इसीलिए हम नाम की जगह, नाउन की जगह जो है वो प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन यूज करते हैं। और प्रोनाउन कैसे होते हैं? जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, आई, हिम, हर, देम, दिस एंड दैट। अब इनके सेंटेंसेस बना के देना तो मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होंगे कि ही, शी, इट, दे, ये तो बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं, ये तो आपने पढ़े ही होंगे, आपको पता ही होगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। लेकिन आप सोचोगे कि ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं एक ही जगह लिख दिए हैं, क्या इनके भी आगे कोई कैटेगरीज हैं? जी हाँ, इनके भी आगे कैटेगरीज हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक मोटा मोटा जान रहे हैं कि ये होता क्या है, प्रोनाउन या नाउन होता क्या है। ऐसे ही इसके आगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें भी हम यही जानेंगे कि ये बेसिकली होते क्या हैं। फिर अगर आप अभी से इनकी इन डेप्थ आगे इसके और ज़्यादा पार्ट्स में जाओगे तो ये भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले इनको जानिए, ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखने की, इनको पहचानने की कोशिश करिए। इनको पहचानने के बाद जब ये सारे के सारे हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे इनके आगे सब पार्ट्स पे। ये जो आपको ही, शी, इट, दे, वी, एटसेट्रा दिखाई दे रहे हैं, ये सब आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, ठीक है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनको कब और कहाँ और कैसे हम यूज कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला नाउन के साथ भी जाता है और सेम जो है जो चीज़ वो बाकी के जो पार्ट्स होंगे उनके साथ जाएंगे। तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को अच्छे से टाइम लगा के पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हमें बार बार उन चीजों के लिए अपना टाइम खराब ना करना पड़े, अपना दिमाग खराब ना करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ और हमारा लास्ट पार्ट है हमारा आज का क्विज, यानी कि क्विज नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्विज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर ट्रेन्स स्टॉप, जहां रेलगाड़ियाँ रुकती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? योर आंसर शुड बी अ वन वर्ड विद 7 लेटर्स। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज अ पर्सन लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जो इंसान जिसमें दूसरों के सामने बोलने का या बात करने का या सामने भी आने का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 3 लेटर्स। द थर्ड क्वेश्चन इज इफ यू हैव हस्बैंड और वाइफ, इट मीन्स यू आर, अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है तो उसका मतलब आप क्या हो? योर आंसर मस्ट बी अ 7 लेटर्स वर्ड, अ सिंगल वर्ड विद 7 अल्फाबेट्स। योर फोर्थ क्वेश्चन इज इट हेल्प्स अ लॉस्ट ड्राइवर ऑन रोड, अगर ड्राइवर गुम जाता है कहीं रोड पे तो ये उसकी हेल्प करता है। योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 3 अल्फाबेट्स। आवर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज आई एम नॉट एंशिएंट और ओल्ड, हु एम आई, मैं ना तो पुराना हूँ और ना ही मुगलों के ज़माने का हूँ, तो मैं कौन हूँ? ठीक है,
मैं प्राचीन नहीं हूँ, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ. सो योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 6 अल्फाबेट्स. तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए और हम मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन बाय बाय, देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. योर इंग्लिश टीचर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे.